Hello students, we were discussing the chapter thermodynamics and the third chapter we are discussing thermochemistry. ठीक है, तो इसके अंदर हमने last class में किया था enthalpy, enthalpy of reaction, enthalpy of phase change and enthalpy of formation. ठीक है, ये हमने किया था. तो उसके बाद कुछ और special enthalpies हैं जो हमको करनी है. उससे पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, that is Hess law of constant heat summation. ठीक है, उसको बोलते हैं हैस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन. अच्छा, इसका क्या होता है क्या है, देखो जरा डेफिनेशन. अब मैं बोलूंगा केवल आप लिखेंगे, यहां बोर्ड पर लिखी जाएगी ज्यादा स्टोरी. ठीक है, इसको समझिए. इफ अ प्रोसेस अकर्स फ्रॉम ए टू बी और इट अकर्स ए टू सी, सी टू बी, डी टू ई एंड ई टू बी. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में इसने कहा ए टू बी. ठीक है, ये आपका सपोज इस पूरे रिएक्शन में डेल्टा आर एच, ये इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दिया. लेकिन यहां पे मैंने कहा डेल्टा आर एच वन, यहां डेल्टा आर एच टू लगा मेरा, यहां डेल्टा आर एच थ्री लगा और डेल्टा आर वन टू थ्री फोर एच फोर लगा. यानी कि दो तरीके से मैंने यहाँ रिएक्शन करा लिया, ए से मैंने बी में गया, कंप्लीट हो गया. आर आप ना भी देखें तो भी चलेगा, रिएक्शन की विधि हम करते हैं. तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी का ट्रांसफर है या हीट का ट्रांसफर है, एंथैल्पी हीट को बोलते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो टोटल हीट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड एंथैल्पी. तो यहाँ पर जो एंथैल्पीज हैं, अगर ए से बी में जाना है तो चाहे आप इस रास्ते से जाएं चाहे आप इस रास्ते से जाएं, तो आपका एंथैल्पी लगेगा सेम ही. ये एक लॉ है, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जो बताता है कि किसी भी रास्ते से ए से लेके बी पर जाएं तो जितना एनर्जी का चेंज होना है, जितना हीट का एक्सचेंज होना है, चाहे वो हीट एमिट होनी है चाहे वो हीट एब्जॉर्ब होनी है, सेम ही रहेगी. इसका मतलब यहां से मेरा क्या बनेगा, जो डेल्टा एच है मैं आज ही लिखना चाहता हूं, वो बनेगा ये डेल्टा एच जितना भी लग रहा है वो इस पार्ट के एच के इक्वल होगा और इस पार्ट के जितने भी एच है उनको मैं ऐड कर देता हूँ. डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, बस ये. हो गया, ये है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन. चलिए एक क्वेश्चन इसके मैं कर इस पर कर लेते हैं. इसने कहा है कैलकुलेट करना है सी प्लस हाफ ओ टू से सीओ जो बना, जो कि गैस है, यहां सोलिड था ये गैस था, इसके लिए डेल्टा एच चेक करना है किस रिएक्शन का, जो कि इससे अलग जो हमें दिया है वो दिया है सी प्लस ओ टू से सीओ टू बना है, इसका एंथैल्पी दिया माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, दूसरा दिया है CO प्लस हाफ ओ टू विथ CO2, जिसका एनर्जी है माइनस 283.0 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे वो रिएक्शन अकर हो सकती है, इन अ सिंगल स्टेप एंड इन अ डिफरेंट स्टेप. बस ये भी एक आपका मेथड है, अदरवाइज ऑल द वैल्यूज विल बी गिवन, आपको सारी वैल्यू गिवन रहेगी. केवल और केवल इसी चीज को हमें पकड़ के चलना है कि एक स्टेप में वो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो सकती है, उसके अगर वो सेवरल स्टेप में हो रही है तो उसके स्टेप क्या होंगे. एंड दिस इज योर ओन रीजनिंग, अपनी खुद की रीजनिंग से अप्लाई करेंगे. हमें यहां दिखाई दे रहा है ये समथिंग समथिंग CO2 का फॉर्मेशन है. क्या है, समथिंग समथिंग CO2 का फॉर्मेशन है. अब इसको मैं दो तरीके से मैं आपको बताऊं, देखो एक बार बताओ,
अगर CO2 का फॉर्मेशन है जनरली C प्लस O2 इक्वल टू CO2 आएगा, ये सिंगल स्टेप में होगा, ठीक है। इनथैलपी इसका इंडिकेट है पहले, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको दो स्टेप में करूं तो पहले आएगा C प्लस हाफ O2 जो बनेगा CO, फिर CO हाफ O2 फिर से आएगा जो बनेगा CO2। ये दो स्टेप मेरे पास हो गए, ठीक है, दो स्टेप मेरे पास हो गए। अब इसमें से कौन से स्टेप का, अच्छा ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप, ये दो स्टेप में हो सकती है। अब यहां क्या करना होगा, अब मुझे बनाना है, देखो इसके लिए तो टोटल एक सिंगल स्टेप पे तो डेल्टा एच निकलेंगे, इसके लिए डेल्टा एच वन निकलेंगे और इसके लिए डेल्टा एच टू निकलेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, ठीक है। गीवन क्या है, सिंगल स्टेप का गीवन है C प्लस O2, ये डेल्टा एच आ गया देखो आपका, ये वाला स्टेप डेल्टा एच का स्टेप है, और CO प्लस O2 ये डेल्टा एच टू का स्टेप है, और डेल्टा एच वन मेरे को निकालना है, बस हो गया सिंपल, ठीक है। सो डेल्टा एच वन विल बी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू, तो डेल्टा एच कितना बेटा, डेल्टा एच हमारा माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, और इसको माइनस लगाएंगे और फिर डेल्टा एच टू का वैल्यू लिखेंगे जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस 283.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कर दिया तो क्या आएगा यहां पर इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 393.5 माइनस 283.05011 जो कि आएगा निगेटिव, ठीक है। ये आ रहा है किलो जूल पर मोल इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। एक तो प्रोसेस का ये था, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, था एग्जांपल नंबर, है स्लो के लिए, ठीक है, एग्जांपल नंबर वन। चलिए अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अगर शो करना चाहूं, क्योंकि ये जो मेरे को स्टेप दिए गए हैं ये इनसे मुझे बना करके दिखाना है कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे C प्लस O2 ये लास्ट में लेके आना है बस, ठीक है, लास्ट में ये लेके आना है, तो क्या करोगे, C प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू CO, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। या फिर इसको उल्टा लिखो, क्योंकि जो गिवन है केवल ये भी याद रखोगे इसमें जो गिवन वैल्यूज की इक्वेशन है उनसे हमें C प्लस हाफ O2 बनाना है, तो C प्लस हाफ O2 बनाना है, अच्छा CO रहेगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी है ना, हाँ C प्लस O2 CO2 बनाना है, निकालना क्या है, सी प्लस हाफ ओ टू सीओ बनाना है, सी प्लस हाफ ओ टू सीओ बनाना है, सी प्लस हाफ ओ टू सीओ प्लस सी ओ बनाना है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ हाँ तो ठीक है, देखो जरा जो गिवन है इसको मैंने लिख लिया सी प्लस ओ टू प्लस टू सी ओ टू, और मुझे क्या बनाना क्या है जो मुझे लेके आना है, ये वाला, ये गिवन वाला है, और जो कैलकुलेट करना है टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड ये यहाँ लिखोगे C प्लस हाफ ओ टू इक्वल टू सीओ। अब C तो आ गया CO2 CO CO C तो आ गया यहां पर, दूसरी रिएक्शन से क्या आएगा CO प्लस हाफ ओ टू, ठीक है। अगर मैं इसको पलट के लिखू दूसरी इक्वेशन को, मैं से लिखू CO2 इक्वल टू CO प्लस हाफ ओ टू, इससे मेरा क्या हो रहा है, एक तो CO2 से CO2 बढ़ जा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा CO मेरा आ गया, ये आ गया कार्बन मेरा आ गया, आ गया बचा हाफ और टू, देखो हाफ ये रहा और एक ही रहा, तो ये हाफ आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन
इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यू दिया था ये सी प्लस हाफ पर टू के लिए, ये तो था माइनस 3.5 किलो जूल पर मोल। अब ये रिएक्शन को मैंने उल्टा किया है तो इसकी एंथैल्पी को भी उल्टा करना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, जो कि हो जाएगी पॉजिटिव में। और बस अब इनको ऐड करके लाओगे आप 110 माइनस के समथिंग किलो जूल पर मोल 5 होता है, ठीक है ऐसे। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये वाला मेथड भी आपके समझ आया तो ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अलट पलट करने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये वाला मेथड ठीक है, क्योंकि क्यों हम रिएक्शन को अलट पलट करके लिखें, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन, ये वाला मेथड कई जगह हमें अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर हमारे जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल या एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई या समथिंग कुछ करना पड़ेगा तो तब ये लगेगा। तो यहां पर ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये वाला मेथड भी अच्छा है। तो ये था हैस लॉ, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अब इनथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है नाम से ही जो जिनका पता लगता है, वैसे तो ये अंडर उसके आ जाना चाहिए इनथैल्पी ऑफ रिएक्शन के, लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जिनका स्पेशली है ही, जिनको स्पेशली हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँगी इनथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, अब वो इनथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जैसे कैटेगराइजेशन, सपोज कंबशन है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही, लेकिन बस वो कंबशन के केस हो गया, कंबशन में हो गया। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल इन्होंने दिया है, आप उसको कुछ कर लेंगे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होगा, एक मोल को बर्न करने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये आप ये चीज आप खुद कर लेंगे, एनसीईआरटी में दिया है, बाकी जगह में दिया है, ठीक है। फेज चेंज मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, हैस लॉ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिया। कई बार डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू दे के रखता है, ठीक है, डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ आपको एटमाइजेशन का वैल्यू दे के रखता है। चलिए तो एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है एंथैल्पी, स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी का अगर स्पेसिफाई अगर करते अगर स्टडी करना चाहें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या एक मोल मॉलिक्यूल को बर्न करने में, कंबशन करने में उसका जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जैसे कि ठीक है आप ये देख लो, इसमें लिख लो इफ वन मोल सब्सटेंस अंडरगो कंबशन विद स्टैंडर्ड, ठीक है, फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड कंडीशन then the enthalpy calculated is called enthalpy of combustion, that will be delta combustion of H, ठीक है, that will be delta combustion of H, और इसको जनरली delta CH हम लिखते हैं, नोट लगा सकते, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ब्यूटेन के केस में 2658 है और ग्लूकोज के केस में 2658 और ब्यूटेन के केस में, अगर ब्यूटेन का एक मोल आप जलाओगे, ठीक है, और अगर ग्लूकोज का एक मोल बर्न होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आता बेटा और ये नेगेटिव आएगा आपका 2802, ठीक है, 2802। इसके लिए इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। बी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अगर मैं कहूं इफ एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूएंट, स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूएंट नहीं स्टैंडर्ड स्टेट, इस फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट स्पीसीज, ऐसा लिख लो आप इसको, स्पीसीज ही लिख लो, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट स्पीसीज। हाँ, इफ वन मोल एटम है, आप ऐसा लिखो वन मोल एटम, वन मोल ही होगा, यहां पर लिखना है इफ एटम्स, इफ एटम यहां पर देखो, इफ एटम्स आर फॉर्म फॉर्म इट्स स्टैंडर्ड स्टेट स्पीसीज बाय ब्रोकन ऑफ वन मोल बॉन्ड, ठीक है। यहां ध्यान दो, एक कोई एटम बना है अपनी स्टैंडर्ड स्पीसीज से, जहां से वो बन सकता है स्टैंडर्ड स्टेट का होना चाहिए, बाय ब्रोकन वन मोल बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड टूटेगा, यानी कि एक मोल क्या होगा, वन मोल कुल मिला के वन मोल स्पीसीज होना चाहिए वो। अगर मैं कहूं यहां पर एक्स टू मेरा गैसीय है, ठीक है, और इफ गैसियस एटम लिख रहा यहां पर आर फॉर्म, ठीक है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एच गैस में अगर कन्वर्ट करता हूं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगा, ठीक है, डेल्टा ए एच, ए स्टैंड फॉर एटमाइजेशन, ए स्टैंड फॉर एटमाइजेशन, और इसके लिए लगता है 435 किलो जूल पर मोल, 435 किलो जूल पर मोल। जनरली ये पॉजिटिव आएगा, रीजन पॉजिटिव आने का रीजन ये है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कर लिया हमने, ठीक है, एंथैल्पी ये डिफरेंट टाइप के एंथैल्पी करे, इसके अंदर हमने कंबशन किया एटमाइजेशन किया, अब इसका सी टाइप करेंगे जो कि है बॉन्ड एंथैल्पी, देखो बेटा यहां पर स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी इसको बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा सिंबल होता है डेल्टा बॉन्ड एच नॉट से डिनोट करता है। यहां पर देखो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होगा कि बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड एनर्जी रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, इट इज पॉसिबल टू रिलेट हीट ऑफ रिएक्शन टू चेंज इन एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड विद रेफरेंस टू द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द केमिकल बॉन्ड, टू डिफरेंट टर्म आर यूज इन थर्मोडायनेमिक, ठीक है, यानी कि वहां पर क्या करना है, वहां पर बॉन्ड को ब्रेक करना है, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व दिस प्रोसेस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब यहां पर देखना, बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप से होती है, एक तो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
तोड़ने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। इसका जो है डेल्टा डिसोसिएशन एच नोड लिखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये किस केस में होगा, ये किस केस में होगा, डाइएटोमिक, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, ठीक है, जैसे कि एच टू से बनाया हमने 2H, O2 से बनाया हमने 2O, Cl2 से हमने बनाया 2Cl, ठीक है। ये सब है क्या हमारे, ये बॉन्ड डिसोसिएट करें, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड तोड़ दिया, दो बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है, बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, या हमने दो बॉन्ड तोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में जो एंथैल्पी कैलकुलेटेड होगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास पॉली एटॉमिक है, मेरे पास क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में सपोज मेरे पास CH तोड़ा और मैंने इसका बॉन्ड तोड़ दिया CH3 और H में कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने CH3 का फिर एक बॉन्ड तोड़ा जो कि CH2 और H में कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने CH2 का एक बॉन्ड तोड़ा जो कि CH और H में कन्वर्ट हो गया, फिर मैंने CH का एक बॉन्ड तोड़ा जो कि कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड टूटा है हर बार, आपको पता लग रहा होगा विशिष्ट आप CH2 भी बनाओगे, हर बार चार बॉन्ड है वहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हर बार एक बॉन्ड टूट रहा है। तो अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डिसोसिएशन का एंथैल्पी क्या होगा, तो इसका मीन निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे इसका, वन टू थ्री फोर, चार के चार स्टेप में जितना एंथैल्पी हमारा रिलीज हुआ है, ठीक है, तो लगा है उसका हम मीन निकाल लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मीन एंथैल्पी, मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बोल सकते हो मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या बोलेंगे, मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो। यहां पर दिया पेज नंबर 172 पे कि डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, कि प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। चलिए एक लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद ठीक है एक लास्ट टॉपिक आज करेंगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए ये स्पेशल टॉपिक है अपने आप में अलग से, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये शायद मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी समझाया था NaCl के केस में। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया, अब देखो जरा लैटिस एंथैल्पी, सबसे पहले एंथैल्पी तो हम समझ चुके, अब लेटेस्ट समझो, लेटेस्ट बेटा किस केस में होता, अब आप यहां तक ध्यान से सुनो। सोलिड हमारे फोर टाइप के हो सकते हैं, एमोर्फस, ठीक है, और एक होते हैं क्रिस्टलाइन, ये वाले अच्छे सोलिड होते हैं, ये फेक सोलिड होते हैं एमोर्फस, जैसे मोम हो गया, ठीक है, इस तरीके से जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक एमोर्फस है, उसके क्रिस्टल नहीं बनते, वो फॉल्स सोलिड है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सोलिड अपना जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो उनके पास एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर उनके पास होता है, और फिक्स ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के बाद जब ये या तो क्या बनाएंगे, या तो क्यूब बनाएंगे, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक बनाएंगे, ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक हेक्सागनल, ठीक है, हेक्सागन बनाएंगे, या फिर आप बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका क्यूबिक बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो फिक्स ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है और वहां पर एग्रीगेट, एग्रीगेट में वहां पर एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क ऑफ जो यूनिट सेल, ठीक है, अब देखो जरा नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल बन जाता है और इस नेटवर्क ऑफ यूनिट सेल को हम बोलते हैं लैटिस। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, सोलिड के सोलिड में दो टाइप के क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन भी होती है फिक्स ज्योमेट्री, और जो फिक्स ज्योमेट्री की वजह से वहां पर क्या होगा, वो एक सेल बनाएगा, नेटवर्क फिक्स ज्योमेट्री स्ट्रक्चर से ना, एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेल,
और मैनी स्ट्रक्चर मैनी सेल जब एक साथ जुड़ जाएंगी बहुत सारी तब वो नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, आपको बना के दिखा, आपने देखा होगा कि जो वो होता है कलर मैच करने वाला जो आपका खिलौना होता है तो उसमें अगर एक साइड में आपको रेड कलर ले जाने तो आपको जो क्यूब है रेड कलर वाले वो मूव कराने पड़ेंगे। यानी कि अगर एक उसमें कितने होते हैं टोटल आपके 9 क्यूब होते हैं सरफेस पे, 9 मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो जो 9 क्यूब है वो 9 क्यूब में से एक ही क्यूब को आप बोलोगे यूनिट सेल और उस पूरे खिलौने को बोलोगे आप लैटिस। ठीक है, ये आपके समझ आ जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, या फिर जैसे दीवार है बहुत मोटी बड़ी दीवार बनाई है जिसकी एक ईंट हुई आपकी यूनिट सेल और पूरी दीवार हुई लैटिस, यानी कि एक छोटा पार्ट जिसके रिपीट करने पर नेटवर्क बनेगा उसको लैटिस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी चेक करना है, तो यानी कि ये सॉलिड के एक्सपीरियंस में आया। अब यहाँ समझ लो जरा, मैं यहाँ पर पहले भी इनिशियल का एग्जाम्पल समझाया था, आता भी इनिशियल ही है और फिर से इनिशियल का एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात सुनो, अगर मैंने बताया है कि एनर्जी लेटिस एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी यानी कि लेटिस बनने में एंथैल्पी कितनी लगी, अब लेटिस जो बनेगा आपका वो बनेगा NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो कि होगा सॉलिड, जो कि होगा सॉलिड। ठीक है ना, जो कि होगा सॉलिड। ठीक है, अब लेटिस एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, लेटिस के अंदर बहुत सारे बॉन्ड होंगे। ठीक है, और ये आयनिक सॉलिड हो गई है हमेशा, ये भी याद रखेंगे आप। तो यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे इसको, टोटल एंथैल्पी व्हेन अ सॉलिड कौन सा आयनिक इज कन्वर्टेड डिसोसिएटेड इनटू इट्स एटम गैसियस। ठीक है, गैसियस एटम तक अगर वो चला जाए इनटू इट्स आयन, गैसियस आयन तक अगर चला जाए तो उसमें एंथैल्पी चेंज होगा, लेटिस एंथैल्पी पूरा लेटिस एंथैल्पी होगा। अब यहां पर देखते जाओ NaCl सॉलिड था तो मैंने किया NaCl जो था सॉलिड था उसको कन्वर्ट किसमें करना है, उसको कन्वर्ट करना है गैसियस आयन में। ठीक है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये अब तो आयन में कन्वर्ट हो ही चुका है, ये तो आयन में कन्वर्ट हो ही चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करना इजी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको वापस कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो, अगर किसी चीज को हमने तोड़ा और दो टुकड़ों में तोड़ लिया और फिर इसको बना रहे हैं तो वो एनर्जी लगभग इक्वल होती है। ठीक है, वो एनर्जी लगभग इक्वल होती है, यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी पर जितना होगा यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ ये रिलीज करेगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनेगी, यहाँ बॉन्ड खींचेगी। तो अब हम इसको फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट कहाँ से करेंगे, इसके कंस्ट्रक्ट पार्टिकल से जो कि इसके हैं Na और Cl। अब Na का स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, Na का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है Na सॉलिड, फिर इसको चेंज करेंगे Na गैस में और Na गैस को चेंज करेंगे Na प्लस गैस। तो यहां पर जो एंथैल्पी है सॉलिड से गैस वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगा मेरे भाई। ठीक है, और यहां एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया पुराने वाला चैप्टर नंबर 3 वाला। ठीक है, ये तो आ जाएगा। बात आई Cl2 की, Cl2 मेरा गैस में मिलता है, अब इसको मैं पहले Cl में बदलूंगा जो कि होगा गैस में। ठीक है, यहां लगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेरे भाई, क्या लगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद जब Cl टूटेगा Cl नेगेटिव में, ठीक है, तो यहां पर Cl नेगेटिव में जाएगा तो यहां आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव में जो कि गैसियस फॉर्म में है Cl नेगेटिव। अब यहां पर क्या करूंगा मैं Na प्लस और Cl नेगेटिव जो कि दो ही गैस हैं इनका मैं अट्रैक्शन करा दूंगा जिससे बनेगा NaCl। ठीक है, तो इस केस में जो एंथैल्पी लगेगी
ठीक है। इस केस में जो एंथैल्पी लगेगी ना, यहां पर ये NaCl सॉलिड बन गया, बस बात खत्म हो गई, ऐसे बनाना था। अब क्या है कि NaCl जब बन गया है, इसका हम वो करेंगे चेयर, क्या करेंगे चेयर, एंथैल्पी ऑफ सोलिडिफिकेशन है सर, क्योंकि सोलिड बन गया, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन करेगा, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है एन ए से एन ए, ठीक है, सब्लिमेशन, जिसमें कि सब्लिमेशन का एंथैल्पी लगा मैं लिख रहा हूं 108.4, फिर यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा 496, फिर Cl2 का एटमाइजेशन एंथैल्पी लगा, Cl2 का एटमाइजेशन एंथैल्पी वो लिख सकते हो, या इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, जो कि लगा 121 किलो जूल पर मोल में है। फिर इसका लगा गेन एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव होगा, गेन एंथैल्पी इसके लिए नेगेटिव है, -348 ये लग गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, फिफ्थ में जो लगा इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये तो बन गया। अब इन सबको देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे स्टेप हमने किए, इन सारे स्टेप का सम हमारा लेटेस्ट एंथैल्पी हो जाएगा भाई, या तो मैं इन स्टेप से जाऊं या इस स्टेप से डायरेक्ट आ जाऊं, ठीक है, एनएसए में। तो इन सब स्टेप्स को मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है, 496021120 और ये नेगेटिव है, इसको बाद में देख लेंगे, 4 5, ठीक है, 2 7 ये आ गया। अब इसको माइनस में कर देता हूँ, 3 4 8 इसको मैं माइनस कर देता हूँ, कुछ छूट गया आई थिंक, कुछ छूट गया है, ठीक है, एस लो उसमें लगा रहे हैं 1 0 8 4 1 2 9 6, चलिए इसको ऐड भी करते हैं, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये फिलहाल ये था, ये स्टेप था ना जो हमारे, ये सब सारे स्टेप काउंट हो, 4 स्टेप थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो है ना, इस पर हम लगाएंगे बेटा, इसके ऊपर अगर हम लगा दें फिर तो अचानक होता, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बोन हैबर साइकिल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोन हैबर साइकिल। क्या होता है ये अब ध्यान से सुनो, बोन हैबर साइकिल क्या होता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइकिल इज दैट द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस अराउंड अ साइकिल इज जीरो, जितने भी चेंज होंगे पूरे साइकिल में वो जीरो होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 783, ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ साइकिल, टॉपिक है बस यहां खत्म हो जाएगा, जब तक एंथैल्पी डायग्राम ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी, कंस्ट्रक्ट हमने इसको करा दिया है, कंस्ट्रक्ट हमने इसको कैसे कराया, इसके एन ए
इस वाले में ना बेटा ये Na प्लस और Cl माइनस, इसका 411 आप इसको 411.2 लेवल करना है, ठीक है। अब इसको करो क्या है कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ये क्या कह रहा है कि जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करो 108.4, ठीक है, 496.0, 2120 और 411.2, 8 6 2, और इसमें माइनस कर दो आप 348.0, तो ये 8 आया और ये आएगा 8, ठीक है, और ये आएगा 7 और ये आएगा 7, तो 7 7 8 किलो जूल पर मोल आपका ये आ गया। अब 7 7 8 किलो जूल पर मोल पूरे प्रोसेस में आया, ठीक है। वो कहते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है कि जो एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो इसका क्या है कि 7 7 8 ही आता है, ठीक है, इसका NaCl के बंधन में। एक्सपेरिमेंट ये भी ऐसा देखा गया कि डायरेक्ट अगर इसको यहाँ से बनाओगे ना, ये तो हमने स्टेप वाइज बनाया है, अगर आपको इसको ऐसे बनाओगे Na आपका सॉलिड और हाफ Cl2 तो लेना पड़ेगा क्योंकि गैस है और इससे NaCl तो आपका बन ही रहा है क्योंकि सॉलिड है। अगर एक स्टेप पर लोगे तब ये -7 7 4 आएगा और ये लोगे तब ये 7 7 8 आएगा, ठीक है। सॉरी, दोनों प्रोसेस में क्या होगा, सेम आएगा 7 7 8 और 7 7, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कर लेंगे हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, या आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खुद कर लेंगे, तो बाकी बचा आपका कुछ नहीं इस चैप्टर में, जो आपको पूछना है आप पूछ लेंगे अपनी परी क्लासेस में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, ये चैप्टर का खत्म हो गया, हो चुका है। इसमें बेटा ये बोन हैमर साइकिल होता है, इसको एक बार और समझ लेना कि अगर इस स्टेप पर वही हैस्लो हमने लगाया, अब हैस्लो के अकॉर्डिंग बोन हैमर साइकिल इसको क्यों बोला, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द टोटल सर्कल, टोटल साइकिल, यानी कि यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ऐसे जाओगे और फिर ऐसे जाओगे, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ना भाई, यहां से स्टार्ट किया ना आपने ये किया, ये फिर आप ऐसे गए, ठीक है, NaCl बन गया। अब NaCl के बाद वापस इसमें जाओगे तो जितना एनर्जी बनने में लगा तो तोड़ने में लगेगा, लेकिन वह जो तोड़ने में लगेगा वो माइनस लगेगा, और जब बनने में प्लस लगा तोड़ने में तो नहीं माइनस लगेगा, टोटल जीरो, इसको बोलते हैं बोन हैमर साइकिल, ठीक है। चलिए, तो ये हो चुका है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आप क्वेरी क्लास में पूछ लेंगे, क्वेरी क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।